ये प्रोग्राम हो गया है तो क्या क्या अभी जारी हुआ है, क्या अभी नहीं आप लोग रुकेंगे और अभी क्या आगामी अभी क्या नहीं रुकने का है, जो क्योंकि जो बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार का जो नेतृत्व है, तो इस तरीके की जो ये आज़ाद भारत में जो हरकत हो रही है, तो ऐसा पक्ष और विपक्ष हमेशा से होता आया है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि पूरे देश में किस तरह से युवाओं में निराशा भर गई है, किस तरह से देश का, भारत देश का युवा निराश हो रहा है कि जो अग्निपथ जो इन्होंने ये नया कुछ कानून बनाने जा रहे, सब कुछ कानून बनाई है, कम से कम देश की सेना, देश के रक्षक और जो भारत देश की नई जनरेशन जो युवा है, जिसके सिर पे, जिसके कंधों पे इस देश का बोझ है, कम से कम उनके साथ तो खिलवाड़ नहीं करें। आज का तहरीक क्यों भड़काएंगे? कांग्रेस ने आज तक इतिहास में कभी भी उठा करके देखेंगे इतिहास को, तो ये भड़काने का काम किसी को किया ही नहीं है। कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, अभी धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, भड़काने का जो आंतरिक एक क्रांति सी पैदा हो रही है, इसको करने वाले कौन है? बीजेपी के नेता लोग यही भड़काने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी के उसूलों में नहीं है कि किसी को भड़काना, दंगे करवाना। अब आप देख रहे हैं कि राजस्थान में किस तरीके से कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं होने दे रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक सभी से एक अनुरोध किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी कोई भी इस तरीके को उपद्रव नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के ये है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मानती नहीं, भड़काने वाली बात नहीं कांग्रेस ने, ये युवा के खुद के उनका जो हार्ट है, जो उनका जोश है, जो युवा का जज्बा है, वो आहत हो रहा है। जिसके अंदर ज़्यादातर सेना में कौन भर्ती होता है? गांव के लोग, धाणी के लोग भर्ती होते हैं, किसान का बच्चा भर्ती होता है, तो वो किसान का बेटा जिसके अंदर जज्बा है, 4-5 साल में तो उसके अंदर जज्बा आता है देश के लिए लड़ने के लिए, तो वो जज्बा समाप्त करने की बात है कि वो उसमें 6 महीने में ट्रेनिंग होगी, फिर वो होगा, फिर जब जोश आएगा उसको घर बैठा दिया जाएगा। तो कम से कम सेना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि सेना के साथ नहीं करनी चाहिए।